हाँ चल भाई सिंचन, जल्दी जल्दी मछलियाँ पकड़ते हैं। लगता है अगर आज मछलियाँ नहीं दी हमने मौसी को ले जाकर तो खाना वाना भी नहीं देगी। एक मिनट गाइस, ये इंसान कौन है? ओए आज मैं मर जाऊंगा, मेरी बीवी मेरी इज्जत नहीं करती क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। ओए ओए ये क्या, मैं तो अमीर बनने लग गया। एक मिनट गाइस, ये आदमी तो अभी $1 का था, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आने लगे? अरे सिंचन हमें भी इतना अमीर होना है, लेकिन वो तो पानी के अंदर गया और एक साथ से अमीर होने लगा। अरे भैया मुझे लगता है नीचे उसको कुबेर खाना मिल गया। कुबेर खाना? ये क्या होता है? अरे मतलब खजाना। ए भाई रोक, हमको भी पता, तू इतना अमीर कैसे बना? अरे गाइस वो तो चला गया बिना बताए। अरे यार हम बहुत ही गरीब है, हमारी मौसी हमें खाना नहीं देती। अबे सिंचन कहाँ जा रहा है? मैं तो अमीर होने जा रहा हूँ। अरे भाई नीचे कोई डायनासोर ना हो, मत जा। अरे नहीं भैया यहाँ कोई शाक वाक होगी, डायनासोर थोड़ी मिलेगा। अरे गाइस सिंचन तो अंदर चला गया। वैसे मुझे भी अमीर बनना है, मुझे भी बहुत सारे पैसे कमाने हैं जिससे कि मेरी मौसी मुझे पीटे ना और भूखा ना सुलाए। अरे एक मिनट, ये कहाँ पर आ गए हम लोग? कुछ समझ में ही नहीं आया, इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ। वो इंसान पानी में जो था इतना अमीर कैसे बन गया? एक मिनट टोनी स्टार्क, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो जो बूढ़ा सा इंसान है वो मेरे पास आया था, मैंने उसको कुछ मेहनत करवाई और उसको बदले में $10 million दिए। भाई मुझे और सिंचर को भी मेहनत करनी है, प्लीज ज्वाइन कर ले। उसके लिए वीडियो को लाइक करवाना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, नहीं तो मेरे साथ साथ मेरी मौसी आप सबको भी मारेगी। हां भैया जल्दी कर दो वीडियो लाइक सब्सक्राइब। हां तो जिसको यहाँ से अपनी मौसी से डर लगता है और उसको मौसी के चंगुल से बाहर निकलना है तो उस सबको ये वाली बाइक्स में से एक बाइक को चूज करना होगा अमीर होने के लिए। और यहाँ पर तुम्हें छोटी छोटी ट्रॉलियों में बहुत सारा कैश मिलेगा, जो भी जितने ज्यादा ट्रॉलियों को पास करके जाएगा, इनसे टच होकर जाएगा, उसके अकाउंट में इतना पैसा ऐड होता रहेगा। और यहाँ पर इसी तरह से कोई भी अगर एंड में पहुंच गया तो उसको मिलेगा पूरे $100 million का कैश। क्या बोल रहा है टोनी स्टॉक सच में? अरे भैया देखिए यहाँ पे गोल्ड भी है। हाँ गाइस सच में गोल्ड है। एक मिनट एंड में क्या है ये? यहाँ पर है $100 million का गोल्ड। ओह माय गॉड, मुझे तो यहाँ पर हार्डवर्क करना है और जीतना है। लेकिन जो भी हारा वो जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचेगा। ओ भाई ये तो बड़ा ही रिस्की है। अरे मेरे को डर नहीं लगता, मैं जाके जीतेगा। मेरी तो मौसी भी मेरे से डरती है, मैं बहुत बड़ा माफिया हूँ। गाइस एक मिनट ये देखिए, पहले से इंसान का बैलेंस बिल्कुल जीरो है, माइनस था, और अब जैसे जैसे ये छोटी छोटी कैश के ट्रॉलियों को टच करता हुआ जा रहा है, इसके अकाउंट का बैलेंस कैसे बढ़ रहा है? अरे फ्रेंडिन भैया ये तो अमीर होता जा रहा है। ओए मजा ही आ रहा है, सारी ट्रॉलीज को सर्च कर लूंगा और इसी तरह से पैसे कमाता जाऊंगा। गाइस इसका बैलेंस $1 lakh से ऊपर पहुंच गया। ओह माय गॉड, अरे भाई हमें भी कुछ छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ही पैसा लेता रहूंगा सारा का सारा। अरे गाइस ये तो हिसाब से बहुत ही अमीर हो जाएगा। अरे बिल्कुल अमीर होऊंगा रे मैं। और फ्रैंकलिन तू तो तेरी मौसी के चप्पल ही खाता रहेगा, जूते ही खाता रहेगा और तू भूखा ही सोएगा, मेरे को सारा पैसा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है सिंचन, देख ले इसको, हम ना अमीर बन के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। गाइस ओह माय गॉड ये क्या, विंडमिल ने इसको नीचे फेंक दिया। अरे मेरा $1 million, अरे बाप रे मेरे को वापस जाना है। गाइस इसके पैसे अभी भी बढ़ते ही जा रहे हैं, पता नहीं इसके अकाउंट में कितने पैसे आ गए थे। लेकिन ये क्या, इन पैसों का फायदा क्या जब हम मर जाएं? और दोस्तों देखिए कितनी बुरी तरह से नीचे गिरा। अरे भैया जी हम तो मरेंगे नहीं, हमारे पास $1 है लेकिन बहुत जल्दी हमारे पास होगा $100 million। गाइस देखिए इसके अकाउंट में भी बैलेंस ऐड होना स्टार्ट हो गया, जैसे जैसे ये छोटी छोटी ट्रॉलियों को टच करते जा रहे हैं कैश की, इनके अकाउंट में $1 ही $1 आ रहे हैं। फ्रैंकलिन भैया मेरे मुंह में तो पानी आ गया इतना पैसा देख कर, सच बता रहा हूँ हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारी मौसी हमें पीटेगी नहीं। सच बोल रहा है सिंचन यार, इसलिए हमें यहाँ पर हार्डवर्क करके जीतना ही होगा, लेकिन भाई जान की बाजी भी लगानी होगी। अरे भैया मेरे को कोई चिंता नहीं है, अगर मैं मर भी गया तो मेरे बीवी बच्चे तो खुश रहेंगे। ओह माय गॉड ये आदमी तो बड़ा अच्छा है यार, अपने बीवी बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। बिल्कुल भाई ऐसे ही करना होता है, दुनिया का उसूल है। अरे फ्रैंकलिन भैया उसको छोड़िए, मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं ये सारा पैसा ना जीत जाए। अरे नहीं, हाँ भाई हमारे लिए भी कुछ छोड़ देना प्लीज, मत जीतना सारा पैसा। अरे भैया हम ना छोड़ेंगे बिल्कुल भी पैसा, हमारा एक 3 साल का छोटा सा बच्चा है, वो हमको अपना सुपर हीरो मानता है, इसलिए सारा पैसा हम घर लेकर जाएगा। गाइस अब तो ये गोल्ड की ट्रॉली इसके पास पहुंच गया है और यहाँ पर अब इसकी मनी पहले से 2 गुना ज्यादा हो गई है। देखिए इसके पास ऑलमोस्ट $4 lakh होने वाले हैं। ओह माय गॉड फ्रैंकलिन भैया इतने में तो फरारी आ जाएगी। अरे भाई 2-3 फरारी आ जाएंगी इतने में तो, भाई पैसा ही पैसा इसके पास तो। अब हमको $100 million जीतना है, अरे हम जीतने वाले हैं। ओह माय गॉड गाइस यहाँ पर ये जीतते जीतते रह गया और बेचारा नीचे गिर गया। देखिए इसका बैलेंस अभी भी बढ़ रहा था, लेकिन अब क्या फायदा, वो बेचारा बचा तक नहीं होगा। अरे मेरे को फर्क नहीं,
नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ पर सारा पैसा ले जाएगा और अपनी बाइक में पैराशूट डाल के लाया है, इसलिए बच भी जाएगा। गाइस ये तो चीटिंग है, ये बंदा पैराशूट डाल के आया है। ए भाई बिल्कुल गलत कर रहा है तू, ऐसा मत कर। अरे क्यों ना करूं, अरे बाप रे बीच में बूस्टर भी है मेरे पास। अरे फ्रैंकलिन भैया इसके पास तो बूस्टर भी है, ये तो सारा पैसा ले जाएगा और हम तो गरीब रह जाएंगे। तू चिंता मत कर फ्रैंकलिन, यहाँ पर अच्छाई और सच्चाई के लोगों के साथ जरूर यहाँ पर अच्छा करेगा ऊपर वाला, और हमारे दोस्त भी तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, इसलिए हम यहाँ पर हार नहीं मानेंगे और ये बुराशा जो अंकल है ये जरूर हारेगा क्योंकि ये चीटिंग कर रहा है। अबे चुप करो तुम नूबड़ो, ये मेरी बाइक का फीचर है, कोई चीटिंग नहीं है। और देखो मेरे पास $2,00,000 हो गए। गाइस यहाँ पर आए तो सब गरीब ही थे, लेकिन जैसे ही कोई बाइक चला के आगे बढ़ने लगता है, जैसे ही ये कैश की ट्रॉली को टच करते हैं, इनके अकाउंट में बैलेंस इतनी तेजी से बढ़ता है कि ओह माय गॉड देखकर मजा ही आ रहा है। लेकिन दोस्तों क्या लगता है ये एंड तक पहुंच पाएगा? मेरे हिसाब से तो ये पहुंचना नहीं चाहिए क्योंकि पैसा मुझे चाहिए। अरे वाह गोल्ड की ट्रॉली आने लगी, मजा ही आ रहा है। एक ही ट्रॉली में कम से कम सीधा $1,00,000 होगा। अरे गाइस इतना पैसा, ओह माय गॉड इतना पैसा कि इसका अकाउंट भी ठीक से काउंट नहीं कर पा रहा है। देखिए अभी तक भी काउंटिंग्स बढ़ती जा रही हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या लगता है इसने कितना कमा लिया? मुझे तो लगता है यहाँ पर दिखा नहीं रहा है फ्रैंकलिन, लेकिन कम से कम इसने $1,000,000 कमा लिया है। अरे काम करता हूँ, अगर कोई और ना जीते उसके लिए यहाँ पे बॉम्ब लगा देता हूँ। अबे ये क्या कर रहा है भाई तू, तुझे खेलना खेल लेकिन हमारे साथ क्यों कर रहा है ऐसा? यही तो मेरी कला है, चारों तरफ बॉम्ब लगाऊंगा। फ्रैंकलिन नूबड़े तू गरीब रहेगा, मेरे को देख मेरे अकाउंट का बैलेंस बढ़ता ही जा रहा है। गाइस इसके अकाउंट का बैलेंस कितना? लेकिन ये क्या, ये तो नीचे गिर गया। अरे पापा बचाइए, मम्मी बचाइए, मेरा पैराशूट भी नहीं खुला। गाइस यहाँ पर सारे बंदे हारते जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा ना लग रहा है कि ये एक तरह की चाल है। यहाँ पर देखिए सबके पैसे अकाउंट में बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही जीतने जा रहे होते हैं सब नीचे गिर जाते हैं। हाँ भाई बात तो तुम सही कह रहे हो यार, इसलिए तुम जाओ घर, हम ले लेंगे सारा पैसा। अरे भाई नहीं यार, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आज तो जान की बाजी में लगा दूंगा। लेकिन तू क्यों उतर रहा है? अरे गाइस एक मिनट, ये क्या गेस्ट ने, तुम जान की बाजी लगाओ तो लगा, हमको आग में कूद जाओ, हम पैसा नहीं देंगे किसी को। हीरो कोई नहीं भाई, तूने मेरे लिए ट्रैप बिछाया, एक बंदे ना ऑलरेडी तेरे लिए बॉम्ब्स लगा रखे हैं आगे, देखना ये है उससे कैसे बचेगा ये। फ्रैंकलिन भैया मुझे तो लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं जीतेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है हमसे बाहर जाएंगे और मर जाएंगे? नहीं मेरे भाई सिंचन, तू चिंता मत कर, आज के बाद कभी तुझे भूख भी कूड़ी नहीं उठानी पड़ेगी। अरे भैया क्या बोल रहे हैं, मैं कूड़ी थोड़ी उठाता हूँ, हम तो मेहनत से खाना वाना खाते हैं। मेरा मतलब वही, हम ना बहुत चैन चांद से स्कूल पढ़ेंगे। अब आज तुम लोग बहुत बकवास कर रहे हो, रुको ये लगाए हम बम और फोड़ दिए सारा रैंप। अबे यार ये तो रैंप वैंप भी तोड़ रहा है जिससे हम आगे ना बढ़ पाए, भाई तू बहुत गलत कर रहा है। मेरी मर्जी। अरे फ्रैंकलिन भैया कुछ तो कीजिए, ये तो हमें कुछ भी नहीं लेने देगा। कोई बात नहीं है सिंचन, हमारे दोस्त हमारे साथ हैं, हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, लेकिन पहले मैं तो ये चाहता हूँ गाइस ये बंदा जल्दी से हार जाए। अब आज तुम लोग तो ऐसे बोलते जाओगे, देखो मां बैलेंस कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अरे यार बैलेंस इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, मेरे को लग रहा है मेरे को ज्यादा सोना टच करना है, यही का हो गया। अरे बाइक अनकंट्रोल हो रही है, मम्मी बचाइए। गाइस इसकी बाइक पूरी तरह से हवा में उड़ रही है और साथ साथ में ये बंदा पैनिक भी हो रहा है, मेरे हिसाब से अब ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अरे पापा बचाइए, मां बॉम्ब फट गई। गाइस उस लास्ट बंदे ने जो बॉम्ब्स लगाए थे उससे वो फट गया। अरे भैया आपने मुझे नीचे क्यों बिठा रखा है? अरे वाह भैया हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। यस गाइस मेरी तो आंखें तरस गई थी मेरे अकाउंट का बैलेंस टॉप अप होने में, देखिए किस तरह से अप हो रहा है। अरे बाप रे, अब तो मैं चाहता हूँ जल्दी से मेरे अकाउंट का बैलेंस $100,000,000 में कैश में बन जाए तो मजा ही आ जाएगा। दोस्तों $1,00,000 कैश तो आ भी गया अकाउंट में। अरे बाप रे, हमें किसी भी हालत में इस पूरे के पूरे जोखिम काम भरे को बहुत ही ध्यान से करना होगा और यहाँ पर हम $100,000,000 जीत कर ही जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, कुछ भी हो जाए। अरे बाप रे बहुत ही धक्के लग रहे हैं, लेकिन भैया आगे तो रैंप खत्म है। अरे हाँ सिंचन तो सही बोल रहा है, लेकिन हम सारी ट्रॉलीज को टच करके जा रहे हैं। देख हमारा बैलेंस अभी तो हम आधे रैंप को भी पार नहीं किए और यहाँ पर $2,00,000 से ज्यादा हो गया। ये बात तो आप सही कह रहे हैं भैया, ये तो बहुत ही खुशी वाली बात है। वैसे भैया एक बात बताइए, $1,000,000 में कितने जीरो होते हैं? मेरे हिसाब से 7, तो $100,000,000 में तो 8 होने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है। तो भैया इतना पैसा कहाँ से आएगा, हमारे अकाउंट में इतनी लिमिट होगी? अरे भाई तू चिंता मत कर, हम 10 अकाउंट खोल लेंगे इतना पैसा लेने के लिए, बस एक बार आने तो दे। और गाइस यहाँ पर देखिए अब हम एंड में पहुंचने ही वाले हैं, बस उम्मीद करता हूँ मैं सेफ लैंडिंग करूँ। अरे बाप रे ये क्या, यहाँ पर तो कैश ही रुकावट बन रहा है हमारी, हमें कहीं नीचे ना गिरा दे। अरे भैया ध्यान से, मम्मी भी डर लग रहा है मुझे। अरे चिंता मत कर, हम कुछ भी करेंगे यहाँ पर जीत कर दिखाएंगे। गाइस यहाँ पर देखिए $5,00,000 होने ही वाले हैं बस, और यहाँ पर हम फाइनल गोल्ड पे पहुंच रहे हैं। अरे वाह भैया देखिए हम एंड में पहुंच गए, ये बल्ले बल्ले। गाइस हम बिल्कुल एंड में पहुंच गए, अब हमारे गरीबी वाले दिन गए क्योंकि सिंचन और साथ साथ में फ्रैंकलिन बहुत अमीर बन गए। यस गाइस मजा ही आ गया, ये
आप सभी की वजह से हुआ, थैंक यू सो मच। देखिए हमारे अकाउंट में 100 मिलियन डॉलर क्रेडिट हो गए। गाइस अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए, बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।